सो हेलो गाइस, आज हम कवर करेंगे अपना ऊप्स का लेक्चर 9, जिसके अंदर हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर जैसे कि जो कि सी में था और किस तरीके से चेंजेस आए सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर्स में, और हम देखेंगे कि कौन कौन से एनहांस फीचर ऐड हुए, और हम जो है बेसिकली ये चीज़ देखने के लिए ऊप्स के दो प्रिंसिपल्स को शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, एनकैप्सुलेशन और डेटा एडिंग। मतलब कि सी और सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर के अंदर जो नए एनहांसमेंट आए वो किसकी वजह से आए, ये नए जो प्रिंसिपल्स थे ऊप्स के प्रिंसिपल्स थे जिसको हमने स्ट्रक्चर के अंदर ऐड किया और एक नए फॉर्म का स्ट्रक्चर जो है वो इम्प्लीमेंट हमने किया। तो एक्चुअली में जो एनकैप्सुलेशन और डेटा एडिंग, इनके ऊपर डीप में मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं डीप में एक्सप्लेन करूंगा कि एनकैप्सुलेशन होता क्या है और किस तरीके से हम इंप्लीमेंट करते हैं, और सेकंड डेटा हेडिंग क्या होता है और किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे मैं शॉर्ट में डिस्कस करूंगा जिसके मतलब जिसको समझ के आप क्यों हम सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं इसको आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर जिस तरीके से हम सी में डिफाइन करते थे, एक्चुअली में मैंने सी के अंदर स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करते हैं और स्ट्रक्चर एक्चुअली में होता क्या है उसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है, तो मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ पे बस मैं स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंटेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जब हम सी में स्ट्रक्चर बनाते थे तो उसके अंदर हम ऐसे लिखते हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट इंट रोल नंबर कैन नेम, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम इतना पोर्शन लिखते हैं एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, खुद की एक डेटा टाइप बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं, तो जब हम इतना पोर्शन लिखते हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट इंट रोल नंबर कैन नेम, तो हम क्या करते हैं, हम खुद का एक डेटा टाइप बना रहे हैं जिसका नाम हमने क्या रखा, स्टूडेंट, और हम क्या चाहते हैं कि उस डेटा टाइप के अंदर फर्दर दो अलग अलग टाइप के डेटा स्टोर हो, एक इंटीजर टाइप का डेटा जो कि रोल नंबर स्टोर करे और एक हमारा नेम टाइप का डेटा जो कि एक्चुअली में कैरेक्टर एरे है जो कि बच्चे का नाम स्टोर करे। तो ये एक्चुअली में हमारी डेफिनेशन है, हमने यहाँ पे डिफाइन करा कि जब भी हमारा इस तरीके का डेटा टाइप का वेरिएबल बनेगा तो उसके अंदर नाम और रोल नंबर के मेंबर जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। तो सिम वही हमने यहाँ पे किया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1, जब भी हम सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रक्चर का यूज करके उसका वेरिएबल बनाते थे या फिर हम ऑब्जेक्ट बोले ऑब्जेक्ट बनाते थे, क्योंकि जब भी हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का वेरिएबल बनाते हैं उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, तो फिलहाल हम यहाँ पे वेरिएबल बोल रहे हैं। तो जब हमने स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाया यहाँ पे, तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट हमेशा स्ट्रक्ट कीवर्ड जो है हमें साथ लिखना पड़ता है, सी लैंग्वेज का ये मानना मतलब सी लैंग्वेज हमें ये बोलती है। तो हमने स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 लिखा, S1, अब हमने क्या बोला कि जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके वेरिएबल्स को अंदर अगर हमको कोई वैल्यू रखवानी होती है तो हम डायरेक्टली डॉट ऑपरेटर का यूज करके उसके मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डॉट ऑपरेटर का यूज करके जो है रोल नंबर के अंदर वैल्यू डलवाई, और एक अगर हमको जो है सी मतलब एक कैरेक्टर एरे के अंदर या फिर एक कैरेक्टर के अंदर दूसरे कैरेक्टर या फिर कोई इंसर्ट कराना है तो वो हम डायरेक्टली नहीं करा सकते। इसका मतलब है कि जैसे अगर मेरा कैर एक कैरेक्टर है जैसे कि नेम, तो नेम के अंदर मैं डायरेक्टली सर्वर ऐसे करूँगा तो ये इनवैलिड होगा, हम क्योंकि यहाँ पे जो ये नेम है ये एक एरे है और आप डायरेक्टली एक एरे के अंदर दूसरे एरे को डायरेक्टली कॉपी नहीं कर सकते जो कि यहाँ पे हो रहा है। मान लो ये सर्वर भी एक कैरेक्टर एरे आप मान सकते हो या फिर किसी और का भी नाम हो यहाँ पे, तो वो एक कैरेक्टर एरे, एक कैरेक्टर एरे ही यहाँ पे कैरेक्टर एरे के अंदर असाइन हो रहा है, तो डायरेक्टली कैरेक्टर एरे के अंदर असाइनमेंट जो है वो अलाउड नहीं होता, इसलिए हमें यहाँ पे एक कॉपी एक फंक्शन यूज करते हैं जो कि स्ट्रिंग कॉपी होता है। वो क्या करता है कि ये वाला जो सर्वर नाम का स्ट्रिंग है इसको नेम नाम के स्ट्रिंग के अंदर जो कॉपी कर देता है, और क्योंकि ये हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं होता इसलिए हमको एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है जो कि हमारी होती है string.h, इंक्लूड यहाँ पे लिख लेना string.h नाम की हेडर फाइल जो है वो हमको इंक्लूड करनी पड़ती है जिसके अंदर ये फंक्शन डिफाइन होता है। जनरली ये हमारा स्ट्रिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है, मैं इसके बारे में भी किस तरीके से स्ट्रिंग को हैंडल करते हैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पे बस हमको शॉर्ट में समझना था। तो बेसिकली जब इतना कोड हमारा चल जाएगा तो हमारा S1 नाम का, देखो रैम के अंदर S1 नाम का जो है वो ऐसा वेरिएबल बनेगा जिसमें रोल नंबर यहाँ पे स्टोर होगा और यहाँ पे नाम स्टोर होगा, तो रोल नंबर के अंदर 5 चला गया होगा, नाम के अंदर मेरा सर्वर नाम यहाँ पे चला गया होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे सी आउट कराया है, सी आउट S1 रोल नंबर मतलब कि 5 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और नेम की जगह पे सर्वर जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ये तो था बेसिक सी टाइप का स्ट्रक्चर, जिस तरीके से हम सी के अंदर स्ट्रक्चर बनाते थे और स्ट्रक्चर को डिफाइन करते थे, फिर उसका वेरिएबल बनाते थे, फिर उसके अंदर वैल्यू असाइन करते थे और फिर उसके मेंबर्स को एक्सेस करते थे। अब जो एनहांस फीचर आए सी प्लस प्लस के अंदर सी के मुताबिक, वो
तीन बेसिक जो है वो फीचर्स थे। सबसे पहला फीचर तो जो था या फिर सबसे पहला जो चेंज आया सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में वो ये था कि जब भी हम स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाएंगे जो भी हमने खुद डिफाइन करा है उसके साथ स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना जरूरी नहीं है। मतलब कि सी के अंदर जब भी जो भी स्ट्रक्चर के मतलब से हमने डेटा टाइप डिफाइन करा है उसका जब भी वेरिएबल बनाएंगे तो स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना जो है साथ मतलब जरूरी होता था, लेकिन सी प्लस प्लस में ये ऑप्शनल है कि अगर आप लिखना चाहो लिख भी सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो आप नहीं भी लिख सकते। मतलब कि अगर मैं ये ना लिखूं और स्टूडेंट एस वन लिखूं डायरेक्ट तब भी मेरा जो है वो वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा स्ट्रक्चर का। तो ये था मेरा सबसे पहला डिफरेंस जो कि सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर के अंदर आया सी के कंपैरिजन में। और जो सेकंड और थर्ड जो हमारा वो है क्या डिफरेंस जो है उसको समझने के लिए हमें ऊप्स के प्रिंसिपल्स को रिकॉल करना पड़ेगा कि ऊप्स के कितने प्रिंसिपल थे, हमारे पांच प्रिंसिपल जिसमें से एक एनकैप्सुलेशन और एक डेटा हाइडिंग का प्रिंसिपल भी था। तो एक्चुअली में सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अब ये एनकैप्सुलेशन और डेटा हाइडिंग का प्रिंसिपल होता क्या है। ठीक है, तो अब हमारा टर्म है एनकैप्सुलेशन। सबसे पहले तो इस टर्म को हम डिवाइड कर लेते हैं और समझते हैं कि ये मतलब हमारा होता क्या है एनकैप्सुलेशन। इस वर्ड को देख के आपको कुछ क्या समझ आ रहा है, कैप्सूल सा कुछ समझ आ रहा है? ठीक है, तो मैं उसी से रिलेट करके आपको समझाता हूँ। आप सबने कैप्सूल देखी होगी, कैप्सूल कैसे होती है, कैसे होती है जिसके अंदर बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स है या फिर बोलो कि दवाई जो है वो ऐसे ऐसे होती है। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर एक्चुअली में ये हम इसको कैप्सूल बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ कि दवाइयों को जो है एक मतलब स्टोर कर दिया हमने एक बाहर से कवर के अंदर। ठीक है, तो कुछ इसी से रिलेट करके एनकैप्सुलेशन मैं आपको समझाता हूँ। एनकैप्सुलेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन ये कहती है कि अगर सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए एनकैप्सुलेशन को समझने से पहले कि एक ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है जो कि मैंने क्लास और ऑब्जेक्ट वाली वीडियो में बता रखा है, आप वो वाली वीडियो भी चेक कर लेना, आई डिस्क्रिप्शन सेक्शन और आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बता रखा है क्या होता है। तो जब हम क्लास या फिर स्ट्रक्चर जब डिफाइन करते हैं और उनका वेरिएबल बनाते हैं तो उनको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो C++ के अंदर ऊप्स का जो प्रिंसिपल है वो हमको ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो इतना सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए कि वो उससे रिलेटेड मतलब उसके अंदर प्रॉपर्टीज और मेथड्स, ये दो चीज़ें होती है प्रॉपर्टीज और मेथड। प्रॉपर्टीज जनरली जो वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं स्ट्रक्चर या फिर क्लास के अंदर उनको बोलते हैं किसी भी, क्योंकि देखो जब हम क्लास या फिर स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं तो हम बेसिकली एक खुद का डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं। एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि अगर हम स्टूडेंट डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं तो बेसिकली जो स्टूडेंट के अंदर हम बनाएंगे कि बच्चे का रोल नंबर मतलब जब भी हम डिक्लेयर करेंगे उसके अंदर वेरिएबल्स, तो उसका रोल नंबर डिक्लेयर करेंगे, उसका नाम डिक्लेयर करेंगे, उसकी हाइट कितनी है, एज क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, ये तो ये क्या कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जब हम उस क्लास का या स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बना मतलब जब हम उसका वेरिएबल बनाएंगे तो वो एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। मतलब कि वो एक रियल स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के कैपेबल होगा ऑब्जेक्ट, है ना। मतलब कि जब भी हम उसका वेरिएबल बनाएंगे तो वो एक रियल स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा जो कि हमको बताएगा कि इस बच्चे का रोल नंबर क्या है, इस बच्चे का नाम क्या है, इस बच्चे की हाइट क्या है, इस बच्चे का फ़ोन नंबर क्या है, और भी अलग अलग जो है वेरिएबल जो है वो उस बच्चे के बारे में बताएगा जो कि एक रियल में एग्जिस्ट करता है। मतलब कि एक रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ही हम ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो जो वेरिएबल्स जो हमने क्लास के अंदर डिक्लेयर करे हैं वो एज अ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे काम कर रहे हैं। मतलब कि उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को बता रहे हैं या फिर एट्रीब्यूट्स को बता रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा या वेरिएबल बनेगा तो उसके अंदर प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स कौन से एग्जिस्ट करेंगे। सिमिलरली जब हम उन प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं तो उनके साथ साथ अगर मैं उनके प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज करना चाहता हूँ बच्चे की, मान लो अगर एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने बच्चे का, ठीक है, फ़ोन नंबर है, ठीक है, या फिर एज, ठीक है, तो एज अगर अभी बच्चे की एज 5 फुट है, थोड़े टाइम बाद बच्चे की एज जो है वो चेंज हो गई 5 फुट 6 इंच हो गई, तो उस प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज करना या फिर उस प्रॉपर्टीज़ के अंदर वैल्यू डालना, वो उनके लिए भी हमको एक अलग से जो है मेथड चाहिए होगा, कुछ तरीका चाहिए होगा जो कि उन वैल्यू मतलब उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर वैल्यू सेट कर पाए। तो वो वैल्यू सेट करने के लिए हम अलग से फंक्शंस भी डिफाइन करते हैं जिनको मेथड्स बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट को जो हम डिफाइन करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट को ऐसे डिफाइन करते हैं कि एक मतलब अगर ऊप्स डिफाइन करता है, ऊप्स जो प्रिंसिपल था, अगर वो एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है तो वो ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है एक वेरिएबल जो क्लास या स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम बना रहे हैं तो वो इतना सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए कि वो खुद उसके अंदर उसके प्रॉपर्टीज़ प्लस मेथड्स दोनों उसके ऑब्जेक्ट के अंदर हो। इसका मतलब कि जब भी हम एक स्टूडेंट जैसे कि हमने स्ट्रक्चर बनाया था अपना, तो अगर हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर जो है उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी जैसे कि बच्चे का रोल नंबर और नाम तो था ही, साथ ही साथ
उससे रिलेटेड कुछ ऑपरेशन जो उन प्रॉपर्टीज के ऊपर लगाए जा सके वो भी प्रेजेंट हो। जैसे कि अगर बच्चे का रोल नंबर है, ये रहा रोल नंबर, और यहाँ पे मैंने क्या लिया था, नेम लिया था, तो अगर मेरे को रोल नंबर के अंदर वैल्यू डलवानी है तो मैं एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। अगर मैं सी टाइप में डिफाइन करता तो मैं क्या करता, एक स्ट्रक्चर अलग डिफाइन करता और अलग से फंक्शन बनाता जिसमें मैं लिखता सेट रोल नंबर और उसके अंदर स्ट्रक्चर का एड्रेस पास करता, फिर उस स्ट्रक्चर को वेरिएबल को एक्सेस करके उसके अंदर वैल्यू डलवाता। और सिमिलरली अगर मेरे को बच्चे का नाम डालना है तो मैं सेट नेम नाम का फंक्शन, मान लो क्या सीट में ये तो हमारा स्ट्रक्चर हमने डिफाइन करा, एक अलग से फंक्शन हमको बनाना पड़ता है जो कि हमारा सेट करता नेम को, एक अलग फंक्शन हम बनाते हैं, मतलब सेट नेम नाम का फंक्शन बनाते हैं हम, एक सेट रोल नंबर नाम का फंक्शन बनाते हैं। और अगर सिमिलरली अगर हमको बच्चे का रोल नंबर चाहिए या फिर नेम चाहिए तो हम गेट नेम या फिर गेट रोल नंबर या फिर सिंपली गेट डेटा नाम का फंक्शन या फिर शो डेटा नाम का फंक्शन अलग से बनाते और उसके अंदर स्ट्रक्चर के एड्रेस पास करते या वैल्यू पास करते, फिर उसको फर्दर डिस्प्ले कराते। मतलब कि इसके अंदर जब भी स्ट्रक्चर नाम का, अगर सी टाइप की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब सी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, अगर जब हम सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाते हैं तो उसके अंदर सिर्फ हमारे ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलती है, या फिर हम ऐसा बोले कि हम जो है सिर्फ उसके अंदर उसके प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं और उससे, मतलब सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ उसके प्रॉपर्टीज़ या फिर वेरिएबल्स ही रहते हैं ना, उनके अंदर जो उन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू चेंज कराने के लिए जिन फंक्शंस की हमको ज़रूरत है वो उसकी बॉडी के अंदर नहीं होते। मतलब कि आप सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ वेरिएबल्स ही डिक्लेयर कर सकते हो, कोई भी फंक्शंस इसके अंदर आप इंक्लूड नहीं कर सकते। जबकि सी प्लस प्लस के अंदर जो कि ऊप्स का प्रिंसिपल हमको कहता है कि अगर कोई भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और जब भी आप उसका एक ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो एक इतना सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टीज तो कंटेन करे ही करे, साथ में उन प्रॉपर्टीज के अंदर अगर वैल्यू चेंज करानी है या डालनी है तो उसके लिए साथ में कुछ मेथड्स फंक्शंस जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए। तो यही कंसेप्ट को जब सी प्लस प्लस में लाया गया तो सेकंड जो डिफरेंस था वो स्ट्रक्चर के अंदर आया सी प्लस प्लस में, वो ये था कि सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर के अंदर हम वेरिएबल्स के साथ साथ उन वेरिएबल्स के अंदर चेंजेस लाने के लिए फंक्शंस को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कि सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएबल्स के साथ साथ हम कुछ फंक्शंस को भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं और वो फंक्शंस इतने कैपेबल होंगे कि वो उन वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं और जो है मैनिपुलेशन वगैरह भी वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको सेकंड डिफरेंस समझ आया कि किस तरीके से एनकैप्सुलेशन का जो मेन मेथड था, ऊप का जो एक बहुत ही तगड़ा प्रिंसिपल है एनकैप्सुलेशन, जिसको यूज करके हमने सी के स्ट्रक्चर के अंदर एम्बेड किया और एक नया टाइप का स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी जो है वो हमने एज अ फीचर उसके अंदर एनहांस कर दी। तो सेकंड डिफरेंस हमको यहाँ पे समझ आ गया, ठीक है, कि किस तरीके से हमने जो आई होप मतलब एनकैप्सुलेशन थोड़ा तो आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं भी होता तो मैं एनकैप्सुलेशन किस तरीके से होता है वो मैं आगे वीडियो में जो है एक बना दूंगा सेपरेट वीडियो, उसके अंदर ढंग से समझाऊंगा कि एनकैप्सुलेशन होता क्या। अब अगला जो प्रोसेस था हमारा डेटा हाइडिंग का, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा कंसेप्ट इसके अंदर लगता है, जिसके बेसिस पे जो है थर्ड डिफरेंस जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर हमारा आता है। डेटा हाइडिंग से पढ़ के हमको क्या समझ आता है कि जिसके अंदर हम डेटा को हाइड कर रहे हैं, मतलब कि सिक्योरिटी रीजंस का कुछ हमको समझ आता है, तो वही हमारा जो है वो यहाँ पे होता है। जब भी हम सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट ना पब्लिक होते हैं, पब्लिक इसका जो हमने ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं का मतलब कि हम डायरेक्टली जब हम उस स्ट्रक्चर का वेरिएबल या ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो डायरेक्टली उसके मेंबर्स, मतलब कि जब भी हम स्ट्रक्चर के अंदर जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं उनको हम मेंबर्स बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर्स के मेंबर्स या प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स को हम डायरेक्टली एक्सेस करते हैं, जो कि हमने अभी पीछे वाले थोड़े टाइम पहले जिसमें देखा था मैंने, इसके अंदर s1.rollNumber के अंदर 5 डलवाया था और फिर cout भी कर दिया था s1.rollNumber। तो यहाँ पे देखो जो रोल नंबर था वो इस स्ट्रक्चर का एक मेंबर था जिसको मैंने यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस कर लिया उसकी बॉडी के बाहर मैंने जो है, क्योंकि स्ट्रक्चर की बॉडी तो वहीं तक है जहां तक उसके वेरिएबल्स को मैंने डिफाइन करा है, उसके बाहर तो मैं उसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूं या फिर वेरिएबल बना रहा हूं, लेकिन यहाँ पे जब मैं उसका वेरिएबल बनाया तो मैंने उसका वेरिएबल का यूज करके उसके मेंबर्स को मैंने डायरेक्टली एक्सेस कर लिया और डायरेक्टली वैल्यूज के अंदर मैनिपुलेशन कर दी। जैसे कि यहाँ पे वैल्यू को
मैंने 5 इंसर्ट भी करा दिया और सिमिलरली वैल्यू को मैंने डायरेक्टली जो है वो डिस्प्ले भी करा दिया। तो इस केस में हमारा जो है वो डेटा सिक्योरिटी का जो है वो कंसेप्ट आ जाता है या खतरा आ जाता है डेटा सिक्योरिटी पे। जैसे कि आप चाहो एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि स्टूडेंट का एग्जांपल लेके ही मैंने इंट रोल नंबर बच्चे का डलवाया है और एक जो है कैर नेम, ठीक है। अब बाई चांस क्या हुआ कि एक बंदा जिसको पता है कि ये एक डेटा टाइप स्टूडेंट टाइप का डेटा टाइप डिफाइन है, तो वो क्या करेगा, उसका जो हमारा जो एंट्री करने वाला है वो उसका ऑब्जेक्ट या वेरिएबल बनाएगा और एंट्रीज करता रहेगा, ठीक है। अब बाय चांस कुछ ऐसा होता है कि काम करते करते ना उसने रोल नंबर की वैल्यू जो है वो जैसे कुछ मतलब लिमिट है कि तीन डिजिट का ये रोल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उससे एक डिजिट ज़्यादा डल गया या एक डिजिट कम डल गया या फिर रोल नंबर माइनस में चला गया, नेगेटिव रोल नंबर डाल दिया उसने, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे डेटा जो है वो करप्ट हो गया, ठीक है। डेटा करप्ट हो गया और डेटा की सिक्योरिटी मतलब जैसे कि अगर बाई चांस फर्दर यूज होना है बच्चे का रोल नंबर तो वहाँ पे रोल नंबर की एंट्री गलत हो गई और वो इस वजह से हुई क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा डायरेक्टली बंदे ने जो जो उसका यूज़ कर रहा था डेटा टाइप उसने डायरेक्टली उन मेंबर्स को एक्सेस किया। और तो ये एक तो डेटा करप्शन का कंसेप्ट आ गया और डेटा सिक्योरिटी का कंसेप्ट आ गया कि बच्चे का अगर बाय चांस रोल नंबर है, ठीक है, या डेटा, मैं एक और चीज़ भी ऐड कर देता हूँ कि बच्चे का रोल नंबर है, फ़ोन नंबर है और साथ में जो है एज भी हो गई, तो अगर वो यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो अगर वो यूज़ कर रहा है तो वो डायरेक्टली उस बच्चे का फ़ोन नंबर को भी एक्सेस कर पाएगा, उस फोन के बच्चे का फ़ोन नंबर के अंदर चेंज भी कर देगा डायरेक्टली। तो यही जो डेटा सिक्योरिटी था जो कि डायरेक्ट एक्सेस दे रहा था स्ट्रक्चर के मेंबर्स को अगर कोई और उसका वेरिएबल बना रहा था, तो इस चीज़ को रोकने के लिए जो है हमारा एक्सेस स्पेसिफायर का कंसेप्ट आया। अभी एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, तीन तरीके के एक्सेस स्पेसिफायर हम जो है वो पढ़ेंगे आगे, या फिर जिन्होंने पहले पढ़ रखा हो तो वो भी उनको भी याद आ जाएगा। तो प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, ये तीन तरीके के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर मतलब कि ये एक्सेस स्पेसिफाई करते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर मतलब कि कौन कौन से मेंबर्स को हम मतलब जो मेंबर्स हैं हमको उनको एक्सेस करने की कितनी वो है परमिशन मिली हुई है कि क्या स्ट्रक्चर के इस मेंबर को हम एक्सेस कर सकते हैं या नहीं, मतलब कि ये परमिशंस को सेट करता है कि आप कौन से मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो या फिर कौन से मेंबर्स को आप डायरेक्टली की जगह इनडायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये पब्लिक, प्रोटेक्टेड और पब्लिक मतलब ये जो हमारे एक्सेस स्पेसिफायर थे। अगर हम सी टाइप के स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो उसके अंदर ऐसा तो कोई कंसेप्ट था ही नहीं और हम इनको यूज भी नहीं कर सकते थे। वहीं C++ में जो कंसेप्ट आया वो यही था कि हम डेटा को यहाँ पे C++ के अंदर डेटा की सिक्योरिटी और डेटा के करप्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर डाला गया और इसीलिए ऊप्स का जो एक प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल डेटा हाइडिंग का यहाँ पे लाया गया, जिसके अंदर हम एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं। तो इसी को हम स्ट्रक्चर के अंदर C++ के स्ट्रक्चर के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे हमको तीसरा डिफरेंस भी जो है वो समझ आ गया क्या कि हम C++ के स्ट्रक्चर के अंदर पहला एक जब हम उसका वेरिएबल बनाएंगे या ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमको स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना जरूरी नहीं है। सेकंड, यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर एनकैप्सुलेशन के मेथड्स को इम्प्लीमेंट करा गया, मतलब कि इसके अंदर हम वेरिएबल्स के साथ साथ उससे रिलेटेड फंक्शंस को भी उसकी बॉडी के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कि स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने डिफाइन करा है वेरिएबल्स, साथ ही साथ फंक्शंस भी हम इसकी बॉडी के अंदर डिफाइन कर सकते हैं और इस फंक्शन को कॉल अगर हमको करना हो तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, जैसे कि हम उसके वेरिएबल्स को एक्सेस करते थे s1.rollNumber, सिमिलरली हम फंक्शंस को भी s1.fun करके जो है वो कॉल कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेकेंड डिफरेंस। और थर्ड डिफरेंस ये था कि हम यहाँ पे डेटा के ऊपर सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं, जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ वेरिएबल्स को मैं प्राइवेट बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, के अंदर ही प्राइवेट और मैंने int x और y मान लो इन दोनों को मैंने, या फिर रोल नंबर और नेम को, स्टूडेंट के रोल नंबर और नेम को मैंने प्राइवेट बना दिया और उसके बाद मैंने पब्लिक बनाना चाहा उसके बच्चे का शो रोल नंबर और शो डेटा, मतलब कि बच्चा अगर किसी को रोल नंबर देखना है या एडिट भी करना है तो मैं क्या कर दूंगा, यहां पे एक और फंक्शन बना दूंगा void edit, एडिट रोल नंबर। तो अगर किसी को एडिट करना है रोल नंबर तो वो क्या करेगा कि वो इस फंक्शन को कॉल करेगा, क्योंकि मैं ये फंक्शन पब्लिक है, जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं वो उस स्ट्रक्चर की बॉडी के बाहर से एक्सेस नहीं हो सकते।
और जो पब्लिक मेंबर है सिर्फ वही हो सकते हैं। तो अगर कोई बंदा जो कि वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट बना के उसको एक्सेस करेगा तो वो सिर्फ उन्हीं मेंबर्स को एक्सेस कर पाएगा जो कि हमारे पब्लिक होंगे, प्राइवेट को मेंबर नहीं एक्सेस कर पाएगा। प्राइवेट को सिर्फ स्ट्रक्चर की बॉडी के अंदर बने हुए फंक्शंस ही एक्सेस कर पाते हैं, जो कि हमारा एनकैप्सुलेशन और डेटा हाइडिंग का जो हमारा रूल था, ये जो हमारा कि कौन कौन से मेंबर्स एक्सेस कर पाते हैं किसको नहीं कर पाते, ये सारा जो है हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में जो है किस तरीके, जब मैं अगली वीडियो में इसकी अगली वीडियो ही होगी जिसके अंदर मैं क्लास डिफाइन करना बताऊंगा और उसके अंदर हमारे मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, मेंबर वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस तरीके से क्लास डिफाइन करते हैं और वो सब जो है मैं अच्छे से समझाऊंगा अगली वीडियो के अंदर। तो बस इस वीडियो के अंदर जो हमारा इस वीडियो के अंदर हमारा यही था मेन मोटिव जो था, वो तीन जो नए हमारे कंसेप्ट ऐड हुए C++ के स्ट्रक्चर के अंदर क्या थे, और जो स्ट्रक्चर है और जो क्लास है उसके बीच में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है हमारे C++ के अंदर, वरना स्ट्रक्चर और क्लास के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। और जोन जोन से भी कंसेप्ट हम क्लास का यूज़ करके या फिर जोन जोन से भी ऊप्स के प्रिंसिपल्स क्लास के ऊपर इम्प्लीमेंटेबल होते हैं, वही हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर भी इम्प्लीमेंटेबल होते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा स्ट्रक्चर, जब हमारा स्ट्रक्चर इतना सारा इतना सिमिलर है उसके क्या नाम है क्लास के, तो जो हमारा कंसेप्ट था वो क्लास का लाया गया क्यों, क्योंकि एक्चुअली में जो कंसेप्ट था वो क्लास का ही लाया गया, लेकिन क्योंकि स्ट्रक्चर ऑलरेडी प्रेजेंट था सी के अंदर तो इसको ऊप्स के साथ कंपैटिबल बनाने के लिए स्ट्रक्चर के अंदर ऊप्स के कंसेप्ट को भी जो है वो ऐड करा गया, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना।